स्मार्टफोन को यूज करते वक्त बीच बीच में एड्स का आना किसी को भी पसंद नहीं है, फिर चाहे वो आप हो, मैं हूँ या फिर कोई और है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम या फिर जीवन यापन इन एड्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है, जैसे हमारे यूट्यूबर्स हो गए, वेबसाइट डेवलपर हो गए या फिर ऐप डेवलपर हो गए। ये लोग अपने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं उनमें इन एड्स को एम्बिट करके वहां से पैसे जनरेट करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन एड्स की वजह से ही ऐसे बहुत सारे पॉपुलर वेबसाइट, ऐप या फिर सर्विसेज हैं जिनको हम फ्री में बिना एक भी पैसा पे किए यूज़ कर पाते हैं। और फंडामेंटली तौर पे देखा जाए तो एड्स गलत भी नहीं है, अगर इनका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये हमारे लिए इंटरटेनिंग, एंगेजिंग और यूजफुल भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कम समय में अधिक से अधिक पैसा कमाने के चक्कर में अपनी वेबसाइट या ऐप्स पर कुछ इस तरीके के एड्स लगा देते हैं जो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ये यूज़र को हमेशा मिसगाइड करते रहते हैं और उन्हें इरिटेट करते रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट्स भी होती हैं जहां पर हमको एड्स के द्वारा किसी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट से तीसरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाता है, किसी एक रोलर कोस्टर की तरह। इसी तरीके से अगर हम लोग ऐप्स की बात करें तो कुछ ऐसे ऐप्स भी होते हैं जिनको यूज करने के दौरान हमें बीच बीच में कुछ इस तरीके के एड्स देखने को मिलते हैं जो हमारे स्मार्टफोन के डिस्प्ले को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। ऐसे में हमारे स्मार्टफोन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं रह जाता है। एक तरीके से कहें तो ये जो एड्स होते हैं वो हमारे स्मार्टफोन को कुछ समय तक के लिए हाईजैक कर लेते हैं। ऐसे में न तो हम इन एड्स को स्किप कर सकते हैं और न ही बैक बटन के थ्रू पीछे जा सकते हैं। मजबूरी में हमें इन एड्स को पूरा देखना ही पड़ता है जब तक ये खत्म न हो जाएं। इन एड्स को पृथ्वी पर से पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है और ऐसा करना सही भी नहीं होगा, लेकिन यूज़र के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए ऐसे बहुत सारे पावरफुल टूल्स बनाए गए हैं जिनका यूज़ करके हम लोग इन एड्स से खुद को बचा सकते हैं। इन टूल्स से आपको इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी वार्निंग देना चाहूँगा कि इन एड्स को रिमूव करने से इंटरनेट का जो इकोसिस्टम बना हुआ है वो इम्बैलेंस हो सकता है, साथ ही मोनेटाइजेशन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जिन लोगों के भी कॉन्टेंट को फ्रिक्वेंटली देखते रहते हैं उनकी पेड सर्विसेज को जरूर लें या फिर उनकी ऐप या वेबसाइट को व्हाइट लिस्ट कर दें, ताकि ये लोग फ्यूचर में भी हमें फ्री में ऐसे ही यूजफुल कॉन्टेंट प्रोवाइड कराते रहें। इन एड्स से बचने के लिए हम लोग तीन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है प्राइवेट DNS सेटिंग जो कि सबसे ईजिएस्ट वे है, दूसरे नंबर पे आता है एड ब्लॉकिंग ऐप और फाइनली तीसरे नंबर पे आता है हमारा एड ब्लॉकिंग इनेबल ब्राउज़र। इस वीडियो में मेनली मैं DNS सेटिंग्स के बारे में बात करूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हम लोग एड ब्लॉकिंग ब्राउज़र का यूज़ करते हैं तो ऐसे में हम लोग केवल और केवल उस पर्टिकुलर ब्राउज़र के अंदर ही एड्स को ब्लॉक कर पाएंगे। वहीं यदि हम लोग एड ब्लॉकिंग ऐप्स का यूज़ करते हैं तो ये केवल और केवल तभी तक वर्क करते हैं जब तक ये एड ब्लॉकिंग ऐप्स रिसेंट में या फिर बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं। जैसे ही ये रिसेंट से हट जाते हैं वैसे ही हमको वापस से एड्स दिखाई देने लगते हैं। यदि आप लोग Redmi का स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर DNS के थ्रू इन एड्स को ब्लॉक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन बाकी यूज़र के लिए बहुत ही आसान है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि Redmi के स्मार्टफोन में हमें किस तरीके से इन एड्स को ब्लॉक करना है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बाकी यूज़र किस तरीके से इन एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको DNS रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि जान लेनी चाहिए कि ये जो सेटिंग्स है वो केवल और केवल एंड्रॉयड वर्जन 9 यानी कि पाई या फिर उससे ऊपर के जो एंड्रॉयड वर्जन है सिर्फ उन्हीं में अप्लाई किया जा सकता है। DNS सेटिंग्स को अप्लाई करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एप्लीकेशन ओपन करके दिखा देता हूँ कि एड्स उनमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम लोग पिक्सेल लैब को ओपन करते हैं और यहाँ पर इस इमेज को सेव करते हैं गैलरी में और यहाँ पे देखिए एड्स हमको दिखाई देने लगा। गूगल पे का एड्स हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको बंद करते हैं और किसी और एप्लीकेशन में देख लेते हैं कि एड्स हमको दिखाई दे रहा है या नहीं। तो अभी इस बार हम लोग MX Player ओपन करते हैं। MX Player ओपन हो गया, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पर भी एड्स देखने को मिल रहा है। तो अब इन एड्स को ब्लॉक करने के लिए हमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है शॉर्टकट मेकर। तो चलिए प्ले स्टोर पर से उसे डाउनलोड करते हैं। और ये रहा वो एप्लीकेशन जिसको हमें इंस्टॉल करना है, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी हमारा ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है, अब इसको ओपन करके दिखाते हैं कि कैसे आपको DNS सेटिंग्स अप्लाई करनी है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। एप्लीकेशन के ओपन होते ही यहाँ पर आपको मोर लिखकर सर्च करना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे एक सेटिंग्स दिखाई देगा जिस पर नीचे डाउन एरो बना होगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आपको एक और सेटिंग्स दिखाई देगा जिस पर क्लिक करके इसको आपको लॉन्च कर लेना है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक एडवांस का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको DNS का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। और यहाँ पर आपको प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम पर सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स अप्लाई करनी है जिसका नाम है dns.edgard.com। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, dns.edgard.com लिख के इसको सिंपली सेव कर लेना है। और बस अभी हमारी सेटिंग्स हो चुकी है, अब चाहे तो आप इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे अनइंस्टॉल नहीं करता हूँ और आपको चल के दिखाते हैं कि अब हमारे ऐप्स में एड्स दिखाई दे रहे हैं या नहीं। सबसे पहले हम लोग MX Player ओपन करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमें कोई भी एड्स देखने को नहीं मिल रहा है। हम एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी इसमें हमको कोई भी एड्स नहीं दिख रहा है। अब वापस से एक बार पिक्सेल ऐप को ओपन करके देखते हैं कि उसमें एड्स आ रहा है या नहीं। तो इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे इस इमेज को जो है गैलरी में सेव करते हैं, और आप लोग देख पा रहे होंगे कोई भी यहाँ पर हमको एड्स देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार फिर से हम सेव करते हैं और देखिए कोई भी एड्स नहीं दिख रहा है। Redmi के स्मार्टफोन में DNS सेटिंग्स को चेंज करने के लिए अभी हमने शॉर्टकट मेकर ऐप का यूज़ किया। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी द्वारा इस सेटिंग्स को हाइड किया गया रहता है जिसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें इस ऐप का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग अदर फोन की बात करें तो उसमें ये सेटिंग्स हिडन नहीं रहता है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही आसानी से उसमें DNS सेटिंग्स को सेव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि बाकी के अदर फोन्स में हमें DNS को कैसे सेट करना है। सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स ओपन करनी है, उसके बाद ऊपर सर्च बार में DNS लिख के सर्च करना है, जिसके बाद आपका DNS का जो सेटिंग्स है वो ओपन हो जाएगा। उस पर क्लिक करके ओपन करना है आपको, जहाँ पे आपको प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद वहाँ पे आपको वही पिछली बार की तरह ही dns.edgard.com लिख देना है और उसके बाद उसको सेव करना है। सेटिंग्स को सेव करने के बाद आपको अपने स्मार्टफोन की डेटा कनेक्शन को एक बार ऑफ करके दोबारा से ऑन कर लेना है। उसके बाद आप जाकर देखेंगे तो आपके स्मार्टफोन में जितने भी एड्स दिखाई दे रहे थे वो सारे के सारे ब्लॉक हो जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।